हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू एवरीथिंग एट वन। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश एयरफोर्स से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो क्या है ये पूरा मामला, सब कुछ जानेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश एयरफोर्स को लेकर आता हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेश एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर फ्लीट को कोरोना वायरस एपिडेमिक से लड़ने के लिए डिप्लॉय किया जा रहा है। और इस काम के लिए बांग्लादेश एयरफोर्स के दो हेलीकॉप्टर्स को मेनली यूज किया जाएगा, जिसमें से एक है MI-171SH और दूसरा है AW-139। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस एपिडेमिक के चलते पूरी दुनिया में लॉकडाउन है और बांग्लादेश में भी पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है, ताकि लोग बाहर ना निकल और कोरोना वायरस को स्प्रेड होने से रोका जाए। और अगर इस वक्त कोई भी कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पेशेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह में जल्द से जल्द ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ी, तो बांग्लादेश एयरफोर्स के इन दोनों हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, बांग्लादेश में ज्यादातर कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पेशेंट्स को ढाका में ही ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और इसीलिए ढाका के बाहर जितने लोग रहते हैं बांग्लादेश में, अगर उनमें से कोई कोरोना वायरस से बुरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाते हैं और उनको बहुत ही कम टाइम के अंदर ढाका के कोई हॉस्पिटल में अगर ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ी, तो बांग्लादेश एयरफोर्स के को इस्तेमाल किया जाएगा। और इसी काम के लिए बांग्लादेश एयरफोर्स ने अपने दोनों हेलीकॉप्टर्स को कस्टमाइज भी कर रहा है और एक एयर एम्बुलेंस की तरह अपने इन दोनों हेलीकॉप्टर्स को कस्टमाइज कर रहा है। इन हेलीकॉप्टर्स में पेशेंट्स को ट्रांसफर करने के लिए बांग्लादेश एयरफोर्स एक स्पेशल स्ट्रेचर का इस्तेमाल करेगा, जिसको ऑर्गेनिक स्ट्रेचर भी कहा जा सकता है, और इस स्ट्रेचर के साथ साथ एक ऑक्सीजन मास्क भी इस्तेमाल किया जाएगा। और इस बात को बांग्लादेश के ISPR ने मीडिया को कंफर्म किया है। और दो तीन दिन पहले बांग्लादेश एयरफोर्स के द्वारा एक ट्रेनिंग ऑपरेशन भी कंडक्ट किया गया था, जिसमें बांग्लादेश एयरफोर्स के मेंबर्स ने एक डमी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पेशेंट को सेफली और टाइमली किस तरह से एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफर किया जाएगा, उसको लेकर ट्रेनिंग किया। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश एयरफोर्स इससे पहले कभी कोई मेडिकल ऑपरेशन कंडक्ट नहीं किया है, लेकिन ये जो कोरोना वायरस है, ये इतना ज्यादा स्प्रेड होता है एक शरीर से दूसरे शरीर में कि कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड जो पेशेंट है उनसे बहुत ही जल्द कोई हजारों लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और इसीलिए बांग्लादेश एयरफोर्स के जितने भी मेंबर्स इस सर्विस में शामिल होगा, उनको ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि किस तरह से खुद को कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होने से बचाया जाए, जब भी कोई कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पेशेंट्स को हेलीकॉप्टर के द्वारा ट्रांसफर किया जाएगा। और इसीलिए इतने सारे ट्रेनिंग और सेफ्टी के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। तो यहाँ पर तारीफ करना होगा बांग्लादेश एयरफोर्स की कि वो इस बुरे वक्त में अपने देश के लोगों को हेल्प करने के लिए अपने रिसोर्सेस को इतनी अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए, ये एक बहुत ही अच्छा न्यूज था बांग्लादेश के सारे डिफेंस एंथुसियास्ट के लिए। तो यही था आज का ये पूरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है वो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।